मिट्टी से ज्यादा मेरे बाल उड़ रहे हैं। आंटी क्या हो गया, क्या हो गया आंटी, इतना गुस्सा किस लिए? बहुत हो गया, बहुत हो गया। कल के बच्चे को मम्मी और आंटी में भी फर्क पता नहीं चलता, बताओ। और ये फुसफुसा रही हैं लड़की, फुसफुसा के मम्मी से पता नहीं क्या बतिया रही हैं। बस कैमरे में नहीं आती है, छुपती रहती है कैमरे में, पता नहीं क्या है, कौन देख लेगा इसको। यस, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हो मौसम जो हो रहा है ना, इतनी धूप के बाद आज हुआ है एकदम सन्नाटे को चीरती हुई हवा चल रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को छत से व्यू। तो ये मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, बादल गरज रहे हैं। इतनी धूप के बाद आज मौसम जो हुआ है बढ़िया, एकदम धूल मिट्टी से ज़्यादा मेरे बाल उड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, देख सकते हो आप लोग। भाई साहब मज़ा आ गया। तो आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन चल रहा है और घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। सो आई होप आप लोग के घर में सब ठीक है, आप लोग ठीक हो और आप लोग पूरी सेफ्टी के साथ रह रहे हो अपने घर पे। सो आई होप, और आप घर पे ही रहना भाई, अगर ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम है तो ही बाहर निकलिए, मौसम को बेकार जाने नहीं देना। तो लेट्स सी क्या करती हूँ मैं अब, क्या कुछ स्पेशल। तो यार ये जो मोटी मोटी बूंदे हैं ना, ये बड़ी शैतान है भाई, मुँह पे चाटा थप्पड़ मार मार के जा रही है। ये देखो भाई, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये मुँह पे ऐसे चाटे बचा बचा के जा रही है, ऐसे चाटे। और वैसे बोलते हैं कि अभी की जो बारिश है इस बारिश में नहाना नहीं चाहिए, वरना मम्मी मना कर रही है, मतलब मैं तो ज़रूर नहाती हूँ इस बारिश में, छत में फुल मज़े लेती मैं तो। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ से मेरी मम्मी भी दिख रही है अंदर। खाती हेलो आंटी, कैसे हो? नमस्ते आंटी। बोल रही कौन आंटी है? आप आंटी दिखाई दे रही हो। हाँ, आजकल के बच्चे को मम्मी और आंटी में भी फर्क पता नहीं चलता, बताओ। क्या बना रहे हो? सब्जी बना रही थी। क्या सब्जी? मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल, यस। एस क्या होता है? यस होता है। यस बेबी। किससे पूछ रही, मम्मी से आंटी से? आंटी से, पड़ोस वाली आंटी से। ये खिड़की से दिख रही है ना मेरे को, पड़ोस वाली आंटी। सही बात है। हाय कबूतरों, आप दोनों यहाँ आके बड़े शैतान करते हो, शैतानी मचा रखी है। आंटी खाना, भूख लग रही है, खाना नहीं बना क्या? क्या बात है, तुम्हारे घर में आज खाना नहीं बना क्या? नहीं, मेरे घर पे खाना नहीं बना। बार बार आ जाते हैं। भगा रहे हो आप? और क्या, ऐसे मतलब के बच्चे हो ना आप, तो मैं तो आंटी लगती हूँ। हाँ, तो मेरी मम्मी, मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही ना। भागो, मैं नहीं देती। अरे दे दो मम्मी, दे दो खाना, दे दो खाना, दे दो। आया मम्मी, जूस जूस ले लो, जूस। अच्छा, जिसका मजा ले लो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मदर। वेलकम डॉटर, मदर डॉटर। आंटी तो नहीं। चीयर्स। चीयर्स। यस। जी बोलिए। मौसम देखो। मौसम तो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। जाओ नहा लो। अच्छा लग रहा है, जाएंगे नहा लो, जाओ। हाँ हाँ जाएंगे, बारिश में। नहीं नहीं अभी, क्योंकि ये अभी बारिश, पहला बारिश है ना, इसमें अभी भीगना अच्छा नहीं है। नहीं है ना? क्यों, ऐसे क्यों बोलते हैं? अभी देखो कोरोना, कितना कोरोना फैला हुआ है अभी, और इतना कुछ घटना घटी हुई है ना, उसको जला रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इतना मतलब प्रदूषण मतलब फैला हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा बारिश हो जाएगा ना,
तो पूरा भीग जाएगा, पूरा हट जाएगा। उसके बाद जब सेकंड बारिश आएगी तो उसकी बिजनेस सही है। आप देखो कितना बादल लग रहा है, जबरदस्त। देखो इसलिए पहले बारिश में नहीं भीगना चाहिए। कैंसर प्लान हमारा कैंसर जी ना, नहाने का मम्मी बोल रही थी ना। फाइनली गाइस, बहुत तेज बरसात हो रही है, बहुत तगड़ा मौसम हो गया अब तो। अच्छे दार क्या हो गया, क्या हो गया आंटी, इतना गुस्सा किस लिए? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बनाई है, तुम इधर बार बार आ रही हो, तो आ जाओ फिर दे देती हूँ। दे रहे हो? यस, आ जाओ। सही में? वेलकम प्लीज, कम। बन गया खाना? हाँ खाना बन गया। ये मिक्स वेजिटेबल बना है, ऐसे नहीं होता, हाथ जल जाएगा ना। आओ घर के अंदर आओ, बैठो टेबल में, मैं लगाती हूँ। अच्छा हाय तो कर दो। हाय। हेलो फ्रेंड्स, आई लव यू बोल दो। हेलो फ्रेंड्स, आई लव यू टू। आई लव यू टू। बस बस हो गया। सो गाइस, मौसम अच्छा हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और सही हो गया अब तो। हाँ आंटी, खाना बन गया। पड़ोस की लड़की खाना खाने आ जाओ। पड़ोस की लड़की, मैं मजे लेती हूँ। तो मेरी मम्मी भी सवा शेर है वैसे। लो पड़ोस की लड़की, क्या बना है? ओ मेरी फेवरेट ही है वैसे तो, मिक्स सब्जी सबकी फेवरेट होती है। खा लो आप। क्या बात है, कभी मम्मी बोलती है कभी आंटी बोलती है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रही क्या कर रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, हमें भी पता। समझ नहीं। तो भाई मैं प्यार से बोल देती हूँ, मम्मी दिल पे ले लेती क्या करे। तो अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, अच्छे से खा लेते हैं खाना। अभी कोरोना चल रहा है तो अच्छे से दबा के खाना खाओ। कोई कंजूसी मत करो, डाइट वाइट छोड़ दो सभी के सभी। देखो ये देसी मॉम बारिश आने का क्या फ़ायदा उठाती हैं। देखो हाँ मम्मी ये क्या हो रहा है, इसका सफाई हो रही है आज, क्योंकि बारिश आ रही है ना। तो ये लग रहा है कि आगे पीछे यहाँ से पानी डालू ना तो फिर नीचे वाले पूरा घर है ना, तो बोलेंगे भाई पानी कहाँ से गिर गया। तो आज मैं अगर अच्छे से सफाई करके अगर पानी डालूंगी ना यहाँ पे, तो उन लोगों को लगेगा कि बारिश आ गई है। ऑलरेडी रोड गीला हो रखी है, इसलिए मैं फायदा उठा रही हूँ। देखो ये देखो। मैंने कहा मम्मी हो गया, तो मम्मी कह रही रुक जाना अच्छे से लगाने दे। ये देखो ये देखो ये देखो मेरी देसी मॉम। बस हो गई खुशी? yes. मिल गई खुशी? हाँ अपने ऊपर भी डाल लो मम्मी। नहीं नहीं अभी तो मौसम ठंडी हो रही है, अच्छा खराब हो जाएगा ऐसे कोरोना है। सो शाम को कुछ इस तरह से व्यू है हमारी छत का, है ना? अच्छा लग रहा है। सो बहुत कूल कूल हो गया है अब, है ना? इधर आओ मम्मी, इधर से ठिकाना। बड़ी खुश है, खुश है। हवा चल रही है ठंडा ठंडा, बस हवा चल रही है ठंडा ठंडा। यस बढ़िया बढ़िया, वॉकिंग स्टेट हो रही है इधर। छुपती हुई। I don't like videography, please. Oh my god. मम्मी क्या कर रहे हो? मैं हाँ आज पता है इतना बारिश हो रही थी ना, आज उसी का फायदा उठा रही थी मैं। अच्छा रेली पूरा साफ किया पानी डाल डाल के, और छत में पूरा पानी डाल डाल के पूरा धोया। पता है ना घर की लेडीज क्या चाहती है, घर के साफ सुथरा, उसका फायदा मैंने उठाया। तो अभी हो चुकी है शाम, तो अब मैं आज पूरा दिन, इतना अच्छा मौसम था, बहुत ही तगड़ा बारिश भी हुई। सो बारिश के, जब बारिश होती है तो उसमें चार चांद लगाते हैं, चाय और पकोड़े। क्योंकि बारिश का मौसम एकदम ठंडा ठंडा देता है, आनंद देता है, तो उसमें अगर चाय और पकोड़े मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। तो इसलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय और पकोड़े खाने के लिए ही ऑब्वियसली। तो
अब बनाती हूँ और शुरू करते हैं। मैं बनाऊंगी प्याज और आलू के पकौड़े। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट मैं इन आलू को छीलने वाली हूँ और प्याज को भी छीलने वाली हूँ, कट करूँगी। सो अब करते हैं स्टार्ट। कढ़ाई भी चढ़ा दी है और ये मेरा ये भी रेडी हो चुका है। सो डीप फ्राई के लिए ये कढ़ाई बेस्ट है क्योंकि गैस कम वेस्ट होता है और बहुत जल्दी भी पक जाता है कुछ भी बनाना हो तो। हम इसमें पूरियां तलते हैं और पकौड़े वकौड़े तल देते हैं क्योंकि बहुत जल्दी पक जाता है इसलिए। पक गई है, दिस इज रेडी। अब हम डालेंगे इसमें चाय। इसमें चाय नहीं, अलग से चाय डालेंगे। अब हो गया है इंतजार के बाद खाने का टाइम, तो अब इसको चाय डालते हैं और फिर खाते हैं। अब हम देते हैं ये मम्मी जी को। एक्सक्यूज मी मैडम जी, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टिप। चाय भी चाहिए आपको? हाँ। चलिए फोन में मत रख लिए, अब खा के बताइए कैसा बना। पहले क्या आप खाऊं? जो दिख रहा है वो खाऊं। पकौड़े ही है सारे, आलू के पकौड़े। ठीक है, पसंद है आपको? गिनती नहीं है। पकौड़ा ऐसे अच्छा लगता, आज बारिश भी हुई थी, थोड़ा भीग भी लिए थे। भीग गए थे का? बालकनी में बैठे बैठे बालकनी धोते हुए धोते होते भीग गए थी। अब मैं खाती हूँ इसको। हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा सुहाना था और ये पकौड़े ने चार चांद लगा दिया इस बारिश में। और ये फुसफुसा रही हैं लड़की, फुसफुसा के मम्मी से पता नहीं क्या बतिया रही हैं। बस कैमरे में नहीं आती है, छुपती रहती है कैमरे में, पता नहीं क्या है, कौन देख लेगा इसको। आइए ना कैमरे में बत्ती से दिखाइए। आई डोंट लाइक वीडियोग्राफी। ओके, आई डोंट लाइक वीडियोग्राफी। ओके भी बोला है मैंने। ओके। सो आज का व्लॉग यहीं तक था। आज मौसम बहुत अच्छा था और मौसम ने मेरा बहुत साथ दिया इस व्लॉग में। सो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए ऐसे ही मौसम में, पकौड़े वकौड़े तल के कुछ इंटरेस्टिंग करके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो मैं मम्मी के साथ कोई चैलेंज करूं या कुछ भी इंटरेस्टिंग आइडिया अगर आपके माइंड में है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो मैं ज़रूर करूंगी। सो और
और क्या बोलूं। सो ये चाय मैं ख़त्म करती हूँ, आप लोग भी मौसम का आनंद लो क्योंकि इतनी गर्मी के बाद आज बहुत ही ज़्यादा आनंद भरा दिन था। सो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।